इंसान ने जितनी भी तरक्की की है लक्ष्य बनाकर की है, हमारे जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे वे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो, वे सभी इसी कारण संभव हुए हैं क्योंकि उन्हें हासिल करने का लक्ष्य बनाया गया था। बिजनेस में सफलता भी अक्सर इसीलिए मिलती है क्योंकि उसे हासिल करने का टारगेट बनाया गया था। उपग्रह धरती के चारों तरफ अपने आप चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसीलिए चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को जीतने का लक्ष्य बनाया था। लक्ष्य का मतलब है उद्देश्य। लक्ष्य सपने से ज़्यादा होता है क्योंकि लक्ष्य का मतलब होता है सपने पर काम करना। लक्ष्य इससे ज़्यादा स्पष्ट होता है, काश मैं यह कर सकता। लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट होता है, मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। जब तक लक्ष्य नहीं बनाया जाता तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता, तब तक उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाए जा सकते। लक्ष्यों के बिना व्यक्ति जीवन में इधर उधर भटकता रहता है, वह लड़खड़ाता रहता है और कभी यह नहीं जान पाता कि वह कहाँ जा रहा है, इसीलिए वह कहीं भी नहीं पहुँच पाता। लक्ष्य सफलता के लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह जीवन के लिए हवा ज़रूरी है। कोई भी बिना लक्ष्य के सफल नहीं हुआ, कोई भी बिना हवा के जीवित नहीं रहा। इसीलिए आप अच्छी तरह अपने लक्ष्य को तय कर लें कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। डेव महोने कभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में $25 प्रति सप्ताह की नौकरी किया करते थे। 27 वर्ष की उम्र में वे एजेंसी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और 33 वर्ष की उम्र में वे गुड ह्यूमर कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। लक्ष्यों के बारे में उनका कहना था, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कल क्या थे या आज क्या हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप कल कहाँ पहुँचना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कल क्या थे या आज आप क्या हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप कल कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अच्छी कंपनियाँ अगले 10 से 15 साल के लक्ष्य बनाकर चलती है। सफल बिजनेसमैन को खुद से यह सवाल पूछना ही पड़ता है, आज से 10 साल बाद हम अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं। फिर वे उसके हिसाब से अपनी योजना बनाते हैं, नई मशीनें लगाई जाती हैं ताकि उत्पादन की क्षमता बढ़ सके, आज की ज़रूरत के हिसाब से नहीं बल्कि आज से 5 या 10 साल बाद की ज़रूरत के हिसाब से। ऐसे उत्पादों को विकसित करने के लिए शोध किया जाता है जो 10 साल से पहले बाज़ार में नहीं उतर पाएंगे। आधुनिक कंपनियां भविष्य को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ती, क्या आपको ऐसा करना चाहिए? हम में से हर व्यक्ति सफल कंपनियों से यह महत्वपूर्ण सबक सीख सकता है, हमें कम से कम 10 साल बाद तक की योजना बना लेनी चाहिए। आप 10 साल बाद अपनी जो इमेज बनाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले तो अभी वह इमेज सोच लेनी चाहिए। यह एक बेहद महत्वपूर्ण विचार है। कोई कंपनी जो अच्छी तरह भविष्य की योजना नहीं बनाती, वह यूं ही चलती रहेगी या बीच में दिवालिया भी हो सकती है। इसी तरह जो व्यक्ति लंबे लक्ष्य तय नहीं कर पाता, वह भी ज़िंदगी के भूल भुलैया में यूं ही भटकता रहेगा। बिना लक्ष्यों के हमारा विकास नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि लंबी दूरी के लक्ष्य से सफलता किस तरह मिलती है। अभी पिछले हफ्ते एक युवक, मैं इसे FB कहना चाहूँगा, अपने करियर की समस्या लेकर मेरे पास आया। FB सभ्य और समझदार दिख रहा था, वह कुंवारा था। उसने 4 साल पहले ही अपना कॉलेज पूरा किया था। हमने उसके कामकाज, शिक्षा, उसकी योग्यता और उसकी सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की। फिर मैंने उससे कहा, आप मुझसे नौकरी बदलने के बारे में सलाह लेने आए हैं, आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं? उसने कहा, यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसकी समस्या बहुत ही आम समस्या है, परंतु मैंने महसूस किया कि इस व्यक्ति की मदद करने का यह तरीका नहीं है कि मैं इसे कई संभावित नियोक्ताओं से मिलवा दूँ। करियर चुनने में गलती करके उससे सीखना कोई अच्छा तरीका नहीं है। चूँकि करियर की संभावनाएं दर्जनों होती हैं, इसीलिए सही नौकरी मिलने के अवसर भी दर्जनों में से एक होते हैं। मैं जानता था कि मुझे FP को यह एहसास कराना होगा कि किसी जगह अपना करियर बनाने से पहले उसे पहले यह जानना पड़ेगा कि उसकी मनचाही जगह कौन सी है। इसलिए मैंने कहा, अब आप एक अलग नज़रिए से अपने करियर प्लान को देखें। क्या आप मुझे बताएंगे कि आज से 10 साल बाद आप अपनी कैसी इमेज देखना चाहते हैं? FP ने काफ़ी सोच विचार कर कहा, मैं समझता हूँ कि मैं वही चाहता हूँ जो हर व्यक्ति चाहता है, एक अच्छी सी नौकरी जिसमें अच्छी तनख्वाह मिलती हो और एक अच्छा सा घर। सच कहूँ तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा।
मैंने उसे आश्वस्त किया कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर मैंने उसे बताया कि करियर चुनने की उसकी शैली वैसी ही थी जैसे हम किसी एयरलाइन टिकट काउंटर पर जाएं और कहें मुझे एक टिकट दे दीजिए। टिकट बेचने वाला आपकी कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप उन्हें यह न बताएं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा, और मैं तब तक नौकरी ढूंढने में आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप मुझे यह न बता दें कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप और सिर्फ आप ही मुझे यह बता सकते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। इससे FB सोचने पर मजबूर हो गया। अगले 2 हफ्तों तक हमने अलग अलग नौकरियों के अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करने के बजाय लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में विचार किया। FP ने करियर प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया। शुरू करने से पहले जान लें आप कहाँ जाना चाहते हैं। सफल कंपनियों की तरह आगे की योजना बनाएं। एक तरह से आप भी किसी कंपनी की तरह हैं। आपकी योग्यताएं, आपकी प्रतिभा, आपकी दक्षताएं, आपके उत्पाद हैं। आप अपने उत्पादों को विकसित करना चाहते हैं ताकि आपको उनकी अधिकतम कीमत मिल सके। भविष्य की योजना बनाने से ऐसा करना संभव है। यहाँ 2 कदम सुझाए जा रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे। पहले तो अपने भविष्य को 3 खंडों में बांट दें, काम धंधा, घर और समाज। अपने जीवन को खंडों में बांट देने से आप दुविधा में नहीं पड़ेंगे। आप आंतरिक संघर्ष की समस्या से बच सकेंगे और आप अपने भविष्य की पूरी तस्वीर देख सकेंगे। दूसरी बात, अपने आप से इन सवालों के स्पष्ट सुनिश्चित जवाब पूछें। मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ और किस चीज़ से मुझे संतुष्टि मिलेगी। मदद के लिए नीचे दी हुई प्लानिंग गाइड का प्रयोग करें। आज से 10 साल बाद की मेरी इमेज, 10 साल की प्लानिंग गाइड। ए, काम धंधे का खंड, आज से 10 साल बाद मैं कितनी आमदनी हासिल करना चाहता हूँ, मैं अपने पास कितनी जिम्मेदारी चाहता हूँ, मैं कितनी सत्ता, कितना अधिकार चाहता हूँ, अपने काम धंधे से मैं कितनी प्रतिष्ठा चाहता हूँ। नंबर बी, घर का खंड, आज से 10 साल बाद मैं अपने परिवार को किस तरह का जीवन स्तर देना चाहता हूँ, मैं किस तरह के घर में रहना चाहता हूँ, मैं किस तरह से छुट्टियाँ बिताना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के शुरुआती वयस्क सालों में मैं उनकी कितनी आर्थिक मदद करना चाहता हूँ। बी, सामाजिक खंड, आज से 10 साल बाद मेरे पास किस तरह के दोस्त होने चाहिए, मैं किन सामाजिक समूह से जुड़ना चाहता हूँ, मैं किन संस्थाओं का लीडर बनना चाहता हूँ, मैं किन सामाजिक समस्याओं को दूर करने की पहल करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मेरे पुत्र ने जोर देकर कहा कि मैं उनके साथ मिलकर उसके कुत्ते के पिल्ले के लिए एक डॉग हाउस बनवाऊँ। मेरा पुत्र पीनट नाम के इस पिल्ले से बहुत प्रेम करता था और मुझे इस पर नाज था। पुत्र का उत्साह देखकर मैं उसके लगातार आग्रह को ठुकरा नहीं पाया और इस तरह हम दोनों पीनट का घर बनाने में जुट गए। कारपेंट्री की हम दोनों की समझ कुल मिलाकर 0 थी और जो घर बना हुआ इस बात का सबूत था। कुछ समय बाद मेरा एक अच्छा दोस्त आया और हमारे इस डॉग हाउस को देखने के बाद उसने पूछा, तुम लोगों ने पेड़ पर यह क्या लटका रखा है, कहीं यह डॉग हाउस तो नहीं है। मैंने हाँ में जवाब दिया। फिर उसने हमारी कुछ गलतियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया और अपनी पूरी बात को सारांश में इस तरह कहा, तुम लोगों ने कोई योजना नहीं बनाई, आजकल कोई बिना ब्लूप्रिंट के डॉग हाउस नहीं बनाता। और कृपया जब भी आप अपने भविष्य की कल्पना करें तो बड़ी कल्पना करने से ना घबराएं। आजकल लोगों को उनके सपनों के आकार के हिसाब से तोला जाता है। कोई भी व्यक्ति जितना हासिल करना चाहता है उससे ज़्यादा हासिल नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा अपने भविष्य के सपनों को बड़ा रखें। नीचे एक व्यक्ति के जीवन की योजना शब्द से बताई गई है, इसे पढ़ें। किस तरह उसने अपने भावी घर का लक्ष्य बनाया यह देखें। जब उसने यह लिखा होगा तब निश्चित रूप से वह अपने भविष्य के घर को देख रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसे आगे का सुनने के लिए आप हमारा 12B पार्ट देखें। हमारे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमसे इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।